ओके सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टीम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप लोग चाहते हो भैया एक लोग आप लोग डिटेल तरीके से हमको बोल दीजिए। चलिए, आपको इस बार हम लोग ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज की आपका कैटेगरी क्या है उसके वाइज क्या कट ऑफ देगा मैं सब बोल देता हूँ। बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो भाई, प्लीज सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दया करके सब लोग शेयर कीजिए, बिकॉज नहीं तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना। बिकॉज हम लोग डाटा कलेक्ट करके आपको एक एक्सपेक्टेड वन देखिए पूरा सजा के दे रहा है। ये PDF भी आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा, जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए डिस्क्रिप्शन पे हमारा लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज जितना दूर सके सबको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ओके और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग सेफ हो। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाहर अगर अगर आप लोग हो तो आपका चांस नहीं है, ऑब्वियसली दैट इज नॉट। पर अगर आपको इसके अंदर हो तो आप मस्ट अप्लाई करो, आपका होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एक्चुअली होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे CSC को लेके। बेसिकली CSC अगर ओपन कैटेगरी 300 आप देख सकते हो, 300 के अंदर अगर आप हो तो यू हैव वेरी गुड चांस, आप एक अच्छे पोजीशन पे बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे OBC A के लिए 1300, OBC B के लिए 450, SC के लिए आप देख सकते हो 2500, ST के लिए 10000, IT के लिए अगर आप देख सकते हो IT एंड EC का ऑलमोस्ट आप इक्वल मान के आगे चल सकते, दोनों का ही 550 के अंदर अगर आप हो तो आपका होने का चांसेस बहुत बढ़िया है। ओबीसी ए के लिए 4200, 4100, 100, उसके बाद आप लोग ओबीसी बी के लिए भी देख सकते हो, एससी और एसटी के लिए भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये इस एरिया पे आप लोग बोलते हो कि भैया इस एरिया का आपका आपने क्यों नहीं फील किया, तो बेसिकली इसको मैंने फील नहीं किया बिकॉज इसका एक्यूरेट डाटा हमारे पास अभी तक नहीं है। बट मैं जब डालूंगा ग्रुप पे ये धीरे धीरे ये सब डाटा पे फील करके दे दूंगा। ठीक है, आपको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे फील कर दूंगा। ठीक है, आज इंस्ट्रूमेंटेशन के जनरल के लिए आप बोलते हो 950 से लेकर 1000 के अंदर भी अगर हो तो मस्ट ट्राई करो, एक अच्छा खासा चांस आपके लिए है। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1800 अगर आप हो तो एक अच्छा खासा चांस है। मतलब इसके बाद मतलब ये नहीं कि 2000 इसका रैंक है वो ट्राई नहीं करेगा, ट्राई करो, बट इसके अंदर अगर हो तो ये आपके अंदर आपके चांस एक बहुत बढ़िया चांस है आपके पास हो जाने का। ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन का आप देख सकते हो 2200, अच्छा मेटलर्जी का 2900 तक आप बोल सकते हो ये आ सकता है, ये एरिया मैं फील कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस एरिया। ओके, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप लोग यहाँ पे और भी देखो, आई थिंक देख पा रहे हो ना। हाँ, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को लेके। सिविल पे आप लोग देख सकते हो कि ओपन के लिए आप बोल सकते हो 3500, OBC A के लिए 11000, OBC B के लिए 5500, ST के लिए 15 एंड ST के लिए 50000 तक। ST जो लोग हो, 50 नहीं, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि नॉट ओनली 50, ST अगर हो एनी रैंक आप लोग अप्लाई करो जादवपुर यूनिवर्सिटी विथ एनी रैंक। आप लोग अगर इफ यू आर ST कैंडिडेट यू मस्ट अप्लाई, ओके यू मस्ट अप्लाई, और मेरे जो बाकी दोस्त हो सब लोग अप्लाई करो। हाँ, ऑब्वियसली कि चांसेस कम है, बट मैं बोलूंगा इस साल एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी सब लोगों के पास है, तो जरूर अप्लाई करते रहिए। अच्छा, पावर इंजीनियरिंग पे हम लोग देख रहे हैं, फिर से मैं ये एरिया को थोड़ा खाली रखे बिकॉज इसका मैंने क्या बोला कि थोड़ा डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये धीरे धीरे हम लोग कैरेक्टर वाइज कैटेगरी वाइज फिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा पावर में आप लोग देखो 3400 तक आप बोल सकते हो जनरल के लिए, आप लोग ऑब्वियसली हैंडसमली ट्राई करो। मैकेनिकल के लिए 1500 तक ऑब्वियसली ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद हम लोग मैकेनिकल के बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन पे भी 4800 तक हमारे अपना जनरल कैटेगरी बच्चे अप्लाई करो। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर ओबीसी ए से 19000, ओबीसी बी 8000, एससी के लिए 22 एंड एसटी के लिए 50-45, बट एसटी के लिए मैं अगेन बोलूंगा कि कोई भी रैंक अगर हो बट यू कैन मस्ट अप्लाई फॉर दिस कंस्ट्रक्शन एंड और जो जो ब्रांच मैंने बोला था आपको, क्या आपको बोला था किससे है, सिविल एंड कंस्ट्रक्शन, इस पर आप लोग अप्लाई कर दो जितना भी रैंक है आपके पास। ऑब्वियसली ST को कोई मतलब मुझे लगता कि रेस्ट्रिक्शन रहेगा ST के पास। ठीक है, और लास्ट में प्रिंटिंग 5600 तक है, बट मैं बोलूंगा जनरल वालों जिनका 6000-7000 भी है, अगर आप जादवपुर का ख्वाब देखते हो मस्ट अप्लाई कर दो यार, कर दो। 10000 तक शायद जादवपुर ने 10000 तक शायद बेडियर देगा जनरल का, 10000 तक बेडियर तक बहुत सारे लोग बोले कि 10000 पे तो अरे कोई कुछ नहीं होता, बट मैं आपको बोलूंगा कि 10000 हो और जो भी हो, आप जो भी हो 10000 तक लोगों भी प्रिंटिंग के लिए आप लोग ट्राई करते रहो बिकॉज ऑब्वियसली एक चांस बन सकते हैं आप लोगों का। ठीक है, और बाकी डाटा फिलअप करके मैं मेरे ग्रुप पे डाल दूंगा, ये सब चीज मैं मेरे ग्रुप पे आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कि और भी कॉलेज वाइज मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा, मुझको मोटिवेट कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो एंड थैंक यू टू ऑल।